मांग हमारी कांग्रेस की ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका की जांच हो। भारत के संसद 2019 के चुनाव के पहले और उसके बाद भी अपने राजनीतिक नेताओं को, विशेषकर राहुल जी की जासूसी करा रही है, इसकी जांच हो। कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करके पेगासस को खरीदा गया, इस पर भी जांच हो, खुलासा सरकार करे। भारत सरकार में कितने अवैध स्पाईवेयर खरीदा और तैनात किया गया, इसके जांच का विषय है। सुप्रीम और जांच कौन करेगा और कैसे होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट दे दिया जाए, जांच एजेंसी करे, कोई एजेंसी करे जिसे सुप्रीम कोर्ट कहे और सुप्रीम कोर्ट खुद इसका मॉनिटर करे। देश में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, अगर उससे पहले भी आप देखें, जब गुजरात में भी मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी जो कांग्रेस पार्टी हो या तथाकथित तो जो बुद्धिजीवी जो कहते हैं, एक बड़ी तबका है, उसमें से बुद्धिजीवी भी है कुछ, पत्रकार भी कुछ हैं और बम फ्रंट के लीडर्स भी हैं, यानी लगातार उसका विरोध करते आ रहे हैं। अगर उन विरोधों को आप सब लोग याद करें तो किस किस प्रकार से उनके विरोध होते रहा, लोग करते रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देश के जनता ने, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश दिया तो केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी आप याद करें उस समय कैसी माहौल को लोगों ने पैदा किया था कि मानो हिंदुस्तान कोई रहने लायक ही नहीं है जगह। आप सबको मैं इसलिए याद इन सारे बातों को करा रहा हूँ उस समय की, आप याद करिए, जो बड़े बड़े जो साहित्यकार होते हैं, बुद्धि जिन लोगों को सम्मानित भी किया गया था, तो सब लोग भी अपनी सम्मान को किस प्रकार से उस समय लोग लौटा रहे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी शुरू दिन से ही देश के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाए, कैसे अपदस्थ किया जाए, उसके लिए तरह तरह के एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से, इसको कहते हैं ना, पिछले दिनों जो टूल किट्स का विषय आया, उसी टूल किट्स की तरह लगातार लोग इन सारे चीजों का लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।